हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्टा राइडर्स। और आज मैं R15 V3 को कैसे नेकेड वर्जन में कॉन्वर्ट किया है वो हम बताएंगे। दोस्तों, ये मेरा R15 V3 था, उसको मैंने नेकेड वर्जन में कॉन्वर्ट किया है। तो मतलब अभी भी है V3 V3 पर इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो नेकेड हो गया, तो ये नेकेड मॉडल बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिखाइए, ये जो है ओरिजिनल पट्टी था, इसके ऊपर मैंने ये जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है जिक्सर एसेप का अपट्टी। इसके ऊपर ये जो है FZ का हैंडल बार है। इसके ऊपर ये जो देख पा रहे हैं, ये यूनिकॉर्न का है। अच्छा, मतलब जो ओरिजिनल लोअर मतलब टी है वो लोअर टी बन, मतलब लोअर टी नहीं है, अपट्टी है वो ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल। और उसके ऊपर कुछ मैचिंग नहीं हो रहा था, इसीलिए जिक्सर का मैच हो गया, लगवा दिया। तो रेसर जो है नीचे है, रेसर नीचे है, और चाबी का सिस्टम वही है जो है यहाँ पे था। अच्छा, ये कट किया हुआ है ना? हाँ, ये कट। अच्छा, ये कट किया हुआ है। और ये वाला जिक्सर का नहीं मिला? नहीं, ये जिक्सर का नहीं मिला। इससे ज्यादा, जिक्सर से ज्यादा ये अच्छा है, क्योंकि यूनिकॉर्न का कवर है। अच्छा, कवर्ड किया हुआ है, इसलिए ये अच्छा है। और ये हैंडल बार, ये हैंडल बार जो है FZ का है। ये क्रॉस बार लगवाया है आफ्टर मार्केट से। इसके बाद ये जो मिरर आप देख पा रहे हैं, ये साइन का है, होंडा साइन का। अच्छा, इसको थोड़ा बेहतर लगवा सकते हैं, लेकिन अभी काम चलाने के लिए ये लगवाया हुआ है। हाँ, काम चलेगा। और इसका जो है, इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वाइब्रेट नहीं होता है। अच्छा, अच्छी तरह के। दोस्तों, मैंने आफ्टर मार्केट से लगवाया है मॉक्सी लीवर। ये फुल्ली एडजस्टेबल है और आप लोगों को तो पता ही होगा। एक्चुअली यहाँ पे मैं बता दूँ, ये R15 का नहीं है, मतलब V3 का नहीं है। V3 का मॉडल हम लोगों को मिला नहीं, इसलिए ये लगवाया हुआ है आपका ड्यूक का। तो ड्यूक का यहाँ पे नहीं लगा, KTM के यहाँ पे नहीं लगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये रहा चार्जर, मोबाइल होल्डर, चार्जर। इसमें मैंने जेली सीट लगवाया हुआ है, इसका वीडियो अलग से बना हुआ है। इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आपको लिंक। हमने यहाँ पे FZ का वाइजर लगवाया हुआ है साइड पैनल का। और इसके बाद एक क्रैश गार्ड, इसके बाद ये अपाची का हेडलाइट, आप सभी को तो पता ही है ये अपाची का। अपाची का कौन सा मॉडल का है? 164 V। अच्छा, 164 V का है। और विंडशील्ड जो है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एलईडी इंडिकेटर है। ये एक स्कूटी का पार्ट है जो हमने कट करके लगवाया है। अच्छा, एक स्कूटी का पार्ट है, उसको कट करके लगवा हुआ है, उसके ऊपर कलर किया हुआ है। वो पहले सिल्वर कलर का कुछ था होगा, वो उसको कलर किया हुआ है। तो रिमोट पे जो होता है ना, सब कुछ होता है रिमोट में, सिर्फ स्टार्ट नहीं होता है। मतलब पूरा ऑन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होता है। यामा का नहीं होता है। अगर किसी को पता है कि कैसे यामा में करते हैं तो कमेंट कीजिए। हम लोगों को तो नहीं आइडिया हो रहा है। हम लोग बहुत कोशिश किए, 2-3 मैकेनिक से भी पूछे, वो लोग बताए कि यामा में नहीं हो रहा है। फोर इंडिकेटर जो फ्लैशर है, इसका कुछ पैटर्न है, ये है, इसके बाद ये, ऐसा ही कुछ पैटर्न है बहुत सारा। और बाकी कंफर्ट कैसा है बताइए आप? मतलब तो, ये जो जेली सीट के बाद मुझे बहुत ही अच्छा, सॉरी, रिमोट जेली सीट लगवाने के बाद बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिल रहा है मुझे। अच्छा, और नेकेड होने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है चलाने में और सब कुछ हैंडलिंग में। पर R15 V3 का लुक ज्यादा अच्छा था मुझे तो लगता है। अगर आप लोगों को उससे ज्यादा अच्छा लगता है इसका लुक, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसका हेडलाइट चेंज करके मैं क्या लगवा सकता हूं, और आपको ये हेडलाइट, ये एक्चुअली हेडलाइट हम लोगों ने जल्दी जल्दी में लगवाया, कुछ मिल नहीं रहा था। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था कि जिक्सर का जो नेकेड जो मॉडल अभी नया लॉन्च हुआ है, उसका LED लगवाने का प्लान था, लेकिन वो शोरूम में उसका सर्विस बुक भी अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है, तो ऑर्डर नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोगों का अभी सिक्किम टूर भी है, तो इसके लिए लगवाना पड़ा इसको। और दोस्तों, इसके अंदर है फिलिप्स का एक्सट्रीम विजन बल्ब, जो अपाचे का होता है वो 55 वाट का ऐसे ही नॉर्मल होता है, पर इसमें मैंने एक्सट्रीम विजन लगवाया है क्योंकि रात में बहुत ही अच्छा इसका ब्राइटनेस है। आप रात को अगर दिखा सकते हैं तो दिखा देंगे। पर हाँ, और एक बात, यहाँ पे R15 का ही मीटर है, मतलब यामा का जो V3 का ही मीटर है यहाँ पे, ये चेंज नहीं करवाया हुआ है, क्योंकि ये मीटर बहुत ही अच्छा लगता है नेकेड बाइक में। और दोस्तों, नीचे कमेंट जरूर करना अगर आपको ये अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, आप अगर
लॉन्ग टूर वगैरह करते होंगे तो आपको ये जो है नेकेड वर्जन बहुत ही अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। हाँ, बहुत लोग बोल सकते हैं R15 V3 लेके बहुत लोग लॉन्ग राइड करते हैं, वैसे बहुत यूट्यूबर भी है लॉन्ग राइड करते हैं, पर मुझे ये कंफर्ट ज़्यादा लग रहा है इसीलिए मैंने ये बनवाया है। यहाँ पे कूलेंट जो है ना, कूलेंट को बचाने के लिए डब्बा जो है, इसको बचाने के लिए मैं ये लगवाया हूँ। इससे क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इससे कूलेंट का डिब्बा जो है बच जाता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और कूलेंट का अगर डिब्बा गया तो बहुत घाटा हो जाएगा। हमने ये जो लगवाया है ये साइकिल का है, मतलब बाईसाइकिल का, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत स्पॉन्जी है, पर आप अगर बाइक का देखेंगे तो इतना स्पॉन्जी नहीं होगा, तो इसलिए मुझे कंफर्ट ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है इसीलिए। पर यहाँ पे जो है आप ऐसे करके अगर हाथ रख सकते हैं तो वो एक नॉर्मल स्पीड में रह सकता है, यहाँ पे पंप रेस्ट की तरह एक काम करता है, इसलिए मैं ये रखवाया हूँ। मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करना। यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और हम लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, बाकी कॉस्ट के लिए आप इंस्टाग्राम में मैसेज करना ज़रूर, समीर को कर सकता है, मुझे कर सकता है, हम दोनों ही बता देंगे आपको कौन से चीज़ का क्या कॉस्ट है, कौन सा लोकल मार्केट में मिलेगा, कौन सा ऑनलाइन में मिलता है, बाकी सारा डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम में आप मैसेज कीजिए, पर्सनली हम बोल देंगे। वीडियो में एक्चुअली बोलते नहीं है क्योंकि बहुत आदमी बहुत कुछ बोलता है हम लोग को, कोई बोलता है ये तो ज़्यादा महंगा हो गया, ये इससे सस्ता हम ला के देते, वो भी सही है, हर आदमी को एक एक चीज़ एक ही भाव में तो थोड़ी मिलता है भाई, कोई डीलर होगा उसको कम में मिलता है, कोई कस्टमर रहेगा उसको थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, तो हम लोग ऐसे प्राइस ओपनली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, गाड़ी अच्छा लगे तो एक गाड़ी के लिए मेहनत के लिए एक लाइक कर देना बस, और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको नेकेड बाइक लेना है और आपके पास V3 है, आप V3 को भी आराम से नेकेड बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और टिल देन Have a good day.